फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम इंडिया जाने वाले हैं। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं अपने ससुराल। हमारे चैनल अक्की यात्रा, और आज की जो यात्रा है वो बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए। 2 साल हो गए हम इंडिया जाने का प्लान कर रहे हैं, और हमने एक्चुअली टिकट्स भी कराई और 2 बार वो टिकट्स कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम इंडिया जाने वाले हैं। तो आज की जो हमारी यात्रा है वो बहुत ही खास है, इसलिए हमने सोचा वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो हमारी पूरी जर्नी से जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम लोग का इंडिया जाने का जो पहला स्टेप है वो शुरू हो चुका है। हम लोग जा रहे हैं कोरोना टेस्ट कराने। टेस्ट करा लिया। या फर्स्ट टाइम था तो मेरा सेकंड टाइम था। क्या कर रहे हो? जो कल टेस्ट कराया था ना, उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, उसका बहुत डॉक्यूमेंटेशन बंद हो गया। जैसे रजिस्ट्रेशन कराना है नीदरलैंड एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, पीसीआर टेस्ट अपलोड करना है 4-5 जगह ये सब भी होता है। एक दिन पहले हमारी पैकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ये हमारे दोनों बैग आ गए हैं चंगू मंगू। 2 साल हो गए, इसका तो टैग भी नहीं निकला है, तो सबसे पहले तो इसका टैग निकालते हैं। हेलो एवरीवन, और फाइनली वो दिन आ गया जब हम इंडिया के लिए ट्रेवल करने वाले हैं। बाकी जगह तो हम लोग बहुत घूमे हैं, लेकिन आज लगभग 2 साल बाद हम लोग इंडिया वापस जा रहे हैं घूमने के लिए। तो सब कुछ सेट हो चुका है, बस अच्छा कि हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, क्योंकि बहुत बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अभी ये कम है आई थिंक। हाँ, ये कम है अभी एक्चुअली में। टाइम बढ़ेगा ना, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, जबकि हम लोग की फ्लाइट अभी काफ़ी टाइम है हम लोग की फ्लाइट में, तभी हम लोग जल्दी आ गए। ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा पूरा बोर्डिंग पास कलेक्ट करने में, इमिग्रेशन सिक्योरिटी टेस्ट। तो अभी अंदर आ गए हैं हम लोग, एंड अभी लेंगे कॉफ़ी और कुछ खाने पीने को। हाँ, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो डिटेल में बताते हैं आपको, सारे डॉक्यूमेंटेशन है जो जो भी रिक्वायर्ड है, कहाँ कहाँ रजिस्टर करना है, बोर्डिंग पास कलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो वो बैठ के बताते हैं। तो हम लोग खा पी के फ्री हो गए हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया, कॉफ़ी पी लिए। तो अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा नहीं काफ़ी टाइम है, तो हम सोच रहे थोड़ा डिटेल दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कब टेस्ट कराना है, कहाँ कहाँ रजिस्टर करना है। तो आई थिंक क्योंकि अभी इतना इजी नहीं रहा है इंडिया जाना। इजी है बट थोड़ी सी प्रोसेस है, लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं तो मे बी यू कैन शेयर। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ वो आपको सर्टन प्रोसेस जो करना ही करना है। मैंडेटरी थिंग है आपको RT-PCR कराना है, वो भी 72 घंटे पहले, फ्लाइट की जो भी टाइमिंग है उससे 72 घंटे पहले आपको RT-PCR कराना है। उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आपको जो दिल्ली की जो एयर सुविधा पोर्टल है वहाँ पे RT-PCR अपलोड करके ऑल द डिटेल्स, जो भी डिटेल्स है वहाँ भर दो, अपनी फ्लाइट डिटेल्स एंड पासपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा उधर। और जब आप सबमिट करेंगे तो आपका एक मेल आ जाएगी, उसका प्रिंट आउट बस लेना है। और आप अगर आप नीदरलैंड से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको नीदरलैंड एम्बेसी जो हेग में जो एम्बेसी है उसका जो पोर्टल है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी एक ईमेल आ जाएगी, उस ईमेल का प्रिंट आउट चाहिए।
और कुछ उनके हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म हैं वो आपके गवर्नमेंट की साइट पे मिल जाएंगे। तो मैंडेटरी ये चार चीज़ें ही हैं, RT-PCR और अफकोर्स निगेटिव। सबसे मेन वही है एयर सुविधा में रजिस्ट्रेशन और हेल्थ डिक्लेरेशन और मिडल एंड एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन, यही चार चीज़ें हैं। दिल्ली में जो भी प्रोसेस होगी हम आपको वहाँ जाके बता देंगे। आई थिंक केवल RT-PCR ही होगा, बट इनकेस अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है और दिल्ली में हमको पता चलता है कि ये भी रिक्वायर्ड है। हाँ, क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हाँ, आई थिंक RT-PCR ही है, बट अगर इनकेस अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो हम दिल्ली में एयरपोर्ट पहुँच के आपको अपडेट कर देंगे। सजेस्ट कि ट्रेवल से पहले आप लेटेस्ट रूल्स जो हैं वो चेक कर लें, क्योंकि कोविड को देखते हुए रूल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। और हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं, थोड़ी देर में फ्लाइट हमारी होने वाली है और बहुत ही भीड़ है, पूरी फ्लाइट भरी है। फ्लाइट में बैठने के बाद हमारा लंच आ चुका है और लंच में क्या है वो हम देखते हैं। लंच में है सैलेड, इंडियन फूड में है आलू गोभी की सब्जी, चावल एंड दाल मखनी, इसके साथ ब्रेड भी है। एंड आफ्टर लंच हमें मिला है ये एप्पल पाई और ये कॉफ़ी। हाँ, चाय का भी ऑप्शन है, आप चाय भी ले सकते हो। चुके हैं और ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, एक्चुअली दीपावली का वक्त था तो सब ने अपने घर में लाइट्स लगा रखी थी, इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ऊपर से। यूरोप से आने वाले लोगों को कोविड टेस्ट कराना कंपलसरी था, इसीलिए ये लाइन लगी हुई थी, और जो लोग यूरोप से नहीं आए हैं उनको जाने दिया जा रहा था बिना टेस्ट के। इमिग्रेशन में बिल्कुल क्राउड नहीं था, खाली था पूरा। इंडिया पहुंच चुके हैं और सामान भी हमारा मिल चुका है। सामान मिलने में बड़ा झोल हो गया, एक्चुअली टेस्ट वगैरह में इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि पूरी खाली ही थी लाइन, और लेकिन सामान भी हमें मिल जाता है। लेकिन सामान इन्होंने कब 500 बैग आए हैं और इन्होंने क्या किया, बेल्ट से उतार के सामान और सामने रखना शुरू कर दिया। इसमें क्या हो रहा था, अपना अपना बैग ढूंढना पड़ा था, लाइन से 2-3 राउंड लगाने पड़े थे कि अभी आया क्या, अभी आया क्या, अभी आया क्या। क्या फाइनली हमारा आ गया बैग। और आपने देखा ही, इमिग्रेशन की लाइन भी नहीं थी, बिल्कुल खाली था। और कोरोना टेस्ट का एक्चुअली ये हुआ कि हम लोग गए, हम लोगों ने पहले ही बुक करा रखा था कोरोना टेस्ट, लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, आपने दोनों वैक्सीन लगवा रखी है, तो आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। और पैसा जो है, एक उन्होंने लिंक दिया हमें, कहा कि इस पे अगर आप मतलब मेल करेंगे तो आपके जो पैसे हैं वो भी वापस हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं यही कहूँगी कि आप मतलब बुक ही करा लें, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर भी ज़्यादा लाइन नहीं लग रही है। तो बाकी जो जो चीज़ें हमारे साथ हुई वो आगे हम वीडियो में बताते रहेंगे, तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। हाँ, लेकिन हमारी गलती है, सही बात है। और एयरपोर्ट से अब एग्जिट और भागते हैं स्टेशन की ओर, अभी ट्रेन भी पकड़नी है। हाँ, और हमारी जर्नी में भी बाकी है, हमसे जुड़े। तो आवाज़ सुन के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं। जी हाँ, हम लोग दिल्ली स्टेशन पे हैं, बस यहाँ से अब हमारी ट्रेन आने वाली है। तो हमारी इस ड्रेस को देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम आ चुके हैं अपने यूपी में, और हमने अपनी कार उठा ली है। अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। जी हाँ, अब हम जा रहे हैं अपने घर।
तातू कब पाटेंगे? कब पाटेंगे तातू? एक घंटे में पहुंच जाएंगे। यस हाँ। और इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है वो भी खत्म होता है, और अभी बहुत से वीडियो आने बाकी हैं, तो हमसे जुड़े रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली। बाय। सबसे पहले बाल कट।